हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनोज यादव, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, बीएससी पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, उसमें टैक्सोनॉमी का टॉपिक आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली मैं समझता हूं बच्चों को इसका फायदा मिलेगा। टैक्सोनॉमी का इंट्रोडक्टरी पार्ट आज हम लोग देखेंगे और सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले वर्ड ये आता है टैक्सोनॉमी। तो हु क्वाइंड द टर्म टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी टर्म वाज क्वाइंड बाय ए पी डी कैंडोले। ही यूज द टर्म टैक्सोनॉमी। बोटनी में हम लोग इस टैक्सोनॉमी को ही प्लांट टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। एंड प्लांट टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, यहां पे इसी को हम लोग सिस्टमेटिक बोटनी भी बोलेंगे। सिस्टमेटिक बोटनी। फिर सेम क्वेश्चन बनता है, हु क्वाइंड द टर्म सिस्टमेटिक? जैसे टर्म टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय कैंडोले, बट हु क्वाइंड द टर्म सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक टर्म वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। ही यूज द टर्म सिस्टमेटिक इन हिज बुक सिस्टेमा नेचुरी। ये जो सिस्टमेटिक वर्ड इसने जो काम में लिया वो इसकी इस बुक सिस्टेमा नेचुरी में काम। तो इस तरह से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के जो एक एक नंबर के आते हैं उसमें बनता है कि ये टैक्सोनॉमी वर्ड किसने दिया। तो कभी भी कैरोलस लिनियस को याद मत करना, कैंडोले को याद करना। फिर भी याद नहीं हो तो हम लोग याद कराते बच्चों को, जैसे मारवाड़ी में वो तो या नहीं डोले क्या डोले, तो कैंडोले है, याद रखना कैंडोले। तो ये टैक्सोनॉमी टर्म इस कैंडोले की दीवी है और सिस्टमेटिक वर्ड इस कैरोलस लिनियस ने सिस्टम नेचुरी बुक में दिया। एंड कैरोलस लिनियस ही इज नोन एज फादर ऑफ प्लांट टैक्सोनॉमी। और फादर ऑफ सिस्टमेटिक बॉटनी कैरोलस लिनियस को ही कहते हैं। देन हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी तब हम याद करते हैं एच शांता पाउ। ही इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन प्लांट टैक्सोनॉमी। इस तरह से अपने को ये इंट्रोडक्टरी पार्ट टैक्सोनॉमी का हुआ। अब स्टार्ट होती है व्हाट इज प्लांट टैक्सोनॉमी। अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन देखें तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, और ब्रांच ऑफ बॉटनी अगर आपने प्लांट कह दिया तो द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये चार वर्ड हम लोग काम में लेते हैं प्लांट टैक्सोनॉमी की डेफिनेशन की। ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। व्हाट इज
प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन, हाउ वी आइडेंटिफाई प्लांट्स, ये चीज भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या कहते हैं प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि इट इज ए कंपैरिजन बिटवीन नॉन एंड अननोन स्पीसीज। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जो स्पीसीज हम पहले से जानते हैं, कि जैसे अपने को पता है ये स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान खेजड़ी है, और उसके जैसा कोई प्लांट अपने को आज मिला, अरे हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंपेयर करते हैं कि खेजड़ी के जैसा है। तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब इट इज ए कंपैरिजन ऑफ नॉन स्पीसीज टू अननोन स्पीसीज। हम लोग किसी भी नॉन स्पीसीज को जब अननोन स्पीसीज से कंपेयर करते हैं, दैट इज नोन एज आइडेंटिफिकेशन। तो एक चीज तो अपने को यह याद रखनी हुई, इट इज ए कंपैरिजन ऑफ अननोन स्पीसीज टू नॉन स्पीसीज। जो पहले से अपने को पता है उस स्पीसीज को इससे कंपेयर करते हैं, ताकि पता चले उसके जैसे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ये तो हो गया आइडेंटिफिकेशन। फिर वर्ड आता है नोमेनक्लेचर। जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, तो साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनी प्लांट इज नोन एज नोमेनक्लेचर, या साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको हम कहते हैं नोमेनक्लेचर। नेमिंग ऑफ, यहां पे प्लांट्स की बात चल रही है बॉटनी की, इसलिए नेमिंग ऑफ प्लांट्स और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज नोमेनक्लेचर। एंड नोमेनक्लेचर इज ऑफ थ्री टाइप्स। आप लोग देखोगे, अगर मैं टाइप्स ऑफ नोमेनक्लेचर की बात करूं, तो इट इज ऑफ थ्री टाइप्स। कौन कौन सी, देखो, एक तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, एक ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, और थर्ड वन इज पॉलीनोमियल नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज ऑफ थ्री टाइप्स, और डेफिनेशन इन्हीं के ऊपर लिखी हुई है। कैसे, इफ साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स इट इज बाइनोमियल, if scientific name is made up of three words it is trinomial, and if scientific name is made up of many words it is polynomial। to teen tarah ka nomenclature ho gaya। ab apne liye question ye banta hai ki initially jab hum log identify karke plants ka nomenclature de rahe the, to inme se teen kaun sa tha primitive type ka nomenclature, to aapko kehna polynomial। nowadays which type of nomenclature is there, to aap logon ko kehna binomial, बट इट मे बी समटाइम्स ट्राइनोमियल। तो इस तरह से आप लोगों को एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, और इस तरह के नोमेनक्लेचर की जरूरत क्यों पड़ती है, आप लोग देखोगे पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात करें इंडिया में, अजमेर में, राजस्थान में, कहीं पे भी जब आप लोग बात करोगे, तो हर एक प्लांट को, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप लोग देखोगे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते। तो लोकल नेम तो उस प्लांट के अलग अलग जगह अलग अलग है। अपने विद इन स्टेट ही देखोगे कि एक प्लांट के तरह तरह के नाम है। डिफरेंट स्टेट में जाओगे तो अलग नाम है, और अगर मैं दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो अलग नाम है। तो इस तरह से जो मिलियंस अगर प्लांट्स हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। इसलिए ऐसे जरूरत पड़ी कि उस प्लांट को एक ऐसा नाम दें ताकि पूरे वर्ल्ड में उसको उस एक नाम से जाने। इसके लिए इंटरनेशनल रूल्स बने, और उन रूल्स को हम ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, और उन इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करते हुए हम उस प्लांट को एक ऐसा नाम देते हैं ताकि पूरे वर्ल्ड में उस नाम से जाने। अगर हम बात करें, अगर ये इस तरह के साइंटिफिक नेम नहीं हो, तो फॉर एग्जांपल खेजड़ी जिसको हम लोग यहां कहते हैं, अपने राजस्थान का स्टेट ट्री है, अपने इस स्टेट के एडज्वाइनिंग अगर आप लोग हरियाणा में जाएंगे, तो हरियाणा में उस खेजड़ी को ही नहीं बोलता, वहां पे जाटी कहते हैं। जब आप लोग उससे सटे हुए स्टेट पंजाब में जाएंगे,
तो वहां पे जाट ही नहीं, उसको जाट कहते हैं, या तो जाट तो अपने चौधरी लोग हैं वहां पे, उसको जाट कहते हैं। इसी तरह अगर मैं केरला में जाऊं तो कलाईलुलम नाम देते, तो तरह तरह के, अगर मैं जर्मनी में जाकर कहूं कि आपका खेजड़ी का, तो कोई बता पाएगा खेजड़ी का है? तो इस तरह से अगर किसी एक ही प्लांट के अपने एक कंट्री में ही इतने नाम है, तो दूसरे कंट्री में तो उसको बताने किस नाम से जानेंगे। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी कि हर एक प्लांट को एक साइंटिफिक नेम दिया जाए और पूरे वर्ल्ड में उसको इस नाम से जाने। तो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जैसे अपने स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, खेजड़ी का साइंटिफिक नेम है जो आप लोगों को याद रखना है। इसी तरह स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान, आप लोग जानते हो स्टेट फ्लावर ऑफ राजस्थान हम किसको कहते हैं? रोहिडा को कहते हैं, जिसे मारवाड़ टीक भी कहते हैं, टीकोमेला एंडुलेटा उसका साइंटिफिक नेम है। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह के साइंटिफिक नेम देने के लिए हु डेवलप्ड दैट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तभी हम याद करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनियस। ये जो बात कर रहे हैं हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की, ये किसने डेवलप किया? तो कैरोलस लिनियस ने डेवलप किया। और इसके सारे रूल्स आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, इसका मतलब समझ में आ गया अपने को पहला पॉइंट कि साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। ये वर्ड भी अपने को समझ में आते हैं कि दो वर्ड से मिलके बना है। इन दो वर्ड में फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट्स जेनेरिक नेम, जिसको हम लोग जीनस कहते हैं, एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट्स स्पेसिफिक एपिथेट। जिसको हम स्पीसीज कहते हैं। तो इस तरह से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने प्रोसोपिस सिनेरेरिया आप लोगों को बताया, ये देखो प्रोसोपिस सिनेरेरिया, आपके जाने पहचाने नाम लो जैसे पाइसम सेटाइगोन, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, तो इस तरह से सब में आप लोग क्या देख रहे हो कि दो दो वर्ड है। देखो सब दो दो वर्ड है, तो एक चीज तो ये क्लियर कट होगी साइंटिफिक दो वर्ड्स का बना हो, और उसमें फर्स्ट वर्ड ये जीनस है सब में, और ये इसका स्पेसिफिक एपिथेट है। क्लियर हो गई ये बात भी? ये दोनों वर्ड ये आप लोग देखोगे लैटिन वर्ड्स होते हैं। कैसे? लैटिन वर्ड्स है। वाई दैट लैटिन लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर साइंटिफिक नेम, क्यों हम लैटिन लैंग्वेज को यूज करते हैं? तो आप याद रखना लैटिन लैंग्वेज इज डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब क्या? कि उसके एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकलता है, देर इज नो एनी मॉडिफिकेशन ऑफ दैट सिंगल वर्ड। अपने इंग्लिश में तो एक वर्ड के हजारों आपके मीनिंग निकल सकते हैं, लेकिन इस लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड का एक ही मीनिंग निकलता है, इसलिए ये लैटिन वर्ड लैटिन लैंग्वेज यूज में लेते हैं। बट एट द टाइम ऑफ कंप्यूटराइज्ड और ड्यूरिंग टाइपिंग हम लोग इनको इटैलिक्स में लिखते हैं। तो जितने भी ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड्स हैं उनको हम किस में लिखते हैं? इटैलिक्स में। लेकिन यहां पे एक बात याद रखना, फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को लिखा रहा हूं, इफ दे आर हैंड रिटन, अगर ये साइंटिफिक नेम हैंड रिटन अपन हाथ से लिख रहे हैं, तो बोथ दीज टू वर्ड्स अंडरलाइन सेपरेटली।
इसलिए आप लोगों ने वहां देखा होगा मैंने दोनों वर्ड को अलग अलग अंडरलाइन किया, चाहे कोई से भी हो, ये दोनों वर्ड को, ऐसा नहीं कि आप लोग ऐसा कर दो जिग 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 जिग, वो गलत हो जाएगा, ऐसा कर दो आप, वो गलत हो जाएगा, तो दोनों को हम लोग अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, ये चीज भी ध्यान रखना। फिफ्थ फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी इन कैपिटल। देखो आप लोग ध्यान से, अगर मैंने जितने भी नाम लिखे हैं, फर्स्ट लेटर ये देखना इन सब का, ये कैपिटल, ये कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ दैट जेनेरिक नेम शुड बी इन कैपिटल, बट फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट, देखो इधर, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट इज इन स्मॉल लेटर, ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि इस तरह से अगर किसी भी जीनस का फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज इन कैपिटल और फर्स्ट लेटर ऑफ स्पेसिफिक एपिथेट की जब हम लोग बात करते हैं तो स्मॉल लेटर में होगा, यह बात भी अपने को ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और, दैट ए स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे लिखा मैंने मेंजिफेरा इंडिका, स्पेसिफिक एपिथेट इज फॉलोड बाय द एब्रिवेशन ऑफ दैट साइंटिस्ट हु डिस्क्राइब दैट स्पीसीज। जैसे मान लो लिनियस ने डिस्क्राइब किया तो मैं यहां पे लिन लिख दूंगा या फिर मैं उसको एल डॉट लिख दूंगा, कभी भी इसको अंडरलाइन नहीं करना है, यह भी अपने को ध्यान में रखना है, इसको इटैलिक्स में नहीं लिखना है। तो उस साइंटिस्ट का नाम जिसने इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया स्पेसिफिक एपिथेट के बाद, उस साइंटिस्ट का नाम शॉर्ट में एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखा जाता है, यह भी रूल्स में है। तो स्पेसिफिक एपिथेट is followed by the abbreviation of the scientist who described that species। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है कि उसका एब्रिवेटेड फॉर्म वहां लिखा जाता है। अगर हम लोग सेवंथ पॉइंट की बात करें, ये सब चीजें क्लियर है। अब आप लोग कह दोगे दो ही तो वर्ड देने, लेकिन अगर मैं इस एक वर्ड में अगर मैं 20 अल्फाबेट ले लूं, इस एक वर्ड में मैं कह दूं मैं 30 अल्फाबेट लूंगा, तो इसको भी उन्होंने उस रूल्स में फिक्स कर दिया कि कभी भी कोई जेनेरिक एंड स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक नेम या स्पेसिफिक एपिथेट, ये कभी भी नॉट लेस देन 3 letters, 3 letters से कम नहीं होगा, नहीं तो हम कहते एबीसीडी, बीबी, सीसी, सीडी, सीए, ऐसा नहीं, कम से कम 3 letters हो एंड नॉट मोर देन 12 letters, ये भी इसमें बना दिया। अगर कोई स्पीसीज में 12 से ज्यादा है तो उनको दो वर्ड्स, उनको हाइफन लगा के उसको ब्रेक करके लिख देते हैं। लेकिन इसके अलावा 8th पॉइंट की जब हम लोग बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है, क्या टोटोनिम इज इनवैलिड और इलेजिटिमेट इन प्लांट्स? अब अपने को टोटोनिम का मतलब पता हो तब तो हम ये बात करें कि इनवैलिड और वैलिड का क्या मतलब है। तो व्हेन जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट बोथ आर सेम, जब दोनों सेम होते हैं जेनेरिक और स्पेसिफिक एपिथेट, तो उसके लिए वर्ड काम में लेते हैं टोटोनिम। इट इज नॉट वैलिड इन प्लांट्स, याद रखना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी देखा आप लोगों ने मेंजिफेरा मेंजिफेरा, कभी देखा केशिया केशिया, कभी देखा केशिया केशिया, कभी देखा लमनम सोलेनम सोलेनम, मैंने कहा नहीं, इस तरह का नहीं है कि कहीं भी हम लोग ये देखें कि टोटोनिम है वो कहीं भी वैलिड हो, तो टोटोनिम कहीं भी वैलिड नहीं है, यह चीज तो अपने को ध्यान में रखनी है।
और दूसरी चीज ये इलेजिटिमेट वर्ड इसी के लिए काम में लेते हैं। अब आपको ये देखना है कि क्या एनिमल्स में कोई ऐसा है, तो आप लोग देखोगे कि ऐसा नाजा नाजा कोबरे का साइंटिफिक नेम है, रेटस रेटस चूहे का नाम है, तो इस तरह से गजेला गजेला जैसे चिंकारा है, तो कहने का मतलब एनिमल्स में तो टोटोनिम इज वैलिड बट इन प्लांट्स टोटोनिम इज इनवैलिड। तो याद रखना ये टोटोनिम इज इनवैलिड और इलेजिटिमेट फॉर प्लांट्स, लेकिन ये एनिमल्स में ये याद रखना ये लेजिटिमेट है, वैलिड है। तो इसी तरह से ये भी एक पॉइंट हो गया। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने अब टोटोनिम बोला, ऐसे एक वर्ड आता है ओटोनिम। अब ये क्या चीज हुई ओटोनिम? तो इसमें भी देर आर सम प्लांट्स इन विच साइंटिफिक नेम इज मेड अप ऑफ थ्री वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे ब्रेसिका, ओलिरेशिया, वेराइटी, बोटराइटिस। अब आप लोग क्या देख रहे हो, इसमें थ्री वर्ड हो गए। इट इज जेनेरिक नेम, इट इज स्पेसिफिक एपिथेट एंड थर्ड वर्ड रिप्रेजेंट्स नेम ऑफ वैरायटी और नेम ऑफ सब स्पीसीज। और साइंटिफिक नेम इस तरह से जब थ्री वर्ड्स का बना होता है उसको ट्राइनोमियल हम लोग कह देते हैं। लेकिन मैं तो बात उस ओटोनिम की कर रहा हूं कि इस ओटोनिम में ऐसा क्या होता है। तो आप कहोगे व्हेन स्पेसिफिक एपिथेट लाइक ओलिरेशिया एंड नेम ऑफ ए सब स्पीसीज और वैरायटी बोथ आर सेम, बोथ आर सिमिलर, यहां नहीं है सिमिलर, लेकिन अकेशिया निलोटिका निलोटिका, ये देखो अकेशिया निलोटिका वैरायटी निलोटिका। बताओ ऐसे में ये और ये मतलब स्पीसीज और सब स्पीसीज बोथ आर सेम, तो हम इसको कहेंगे ओटोनिम। इट इज वैलिड फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। जैसे एनिमल्स में हम अपना नाम भी जानते हैं होमोसैपियंस होमोसैपियंस, वो ओटोनिम का ही तो एग्जांपल है। अकेशिया निलोटिका निलोटिका ओटोनिम का ही तो एग्जांपल है। इसी तरह से एक लास्ट अगर हम लोग देखें सिनोनिम, ये देखो सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब ये है कि अगर किसी एक ही प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म के दो नाम, मान लो एक किसी साइंटिस्ट ने इंडिया में किसी प्लांट को डिस्क्राइब करके और नोमेनक्लेचर करके नाम दे दिया और उसी सेम प्लांट का नाम मैं को जर्मनी में किसी साइंटिस्ट ने और दे दिया, विच वन इज वैलिड? तो याद रखना प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी में एक चीज आती है कि पहले किसने दिया अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स दैट इज द वैलिड एंड रिमेनिंग ऑल साइंटिफिक नेम्स आर सिनोनिम ऑफ दैट वन। जैसे एल्ब्यूको कैंडिडा का सिनोनिम कौन है? सिस्टोपस कैंडिडा। तो इस तरह से सिनोनिम का मतलब भी अपने को समझ में आ गया, एल्ब्यूगो कैंडिडा, और इसी का सिनोनिम कौन? सिस्टोपस कैंडिडा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने इस टैक्सोनॉमी की जो डेफिनेशन में हम लोगों ने चार पॉइंट लिए थे, प्लांट्स आइडेंटिफिकेशन देख चुके और नोमेनक्लेचर का सिर्फ और सिर्फ हमने क्या देखा है, एक ये डेफिनेशन और एक ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और एक ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल को भी हम लोग डेफिनेशन देते हुए और पॉलिनोमियल की डेफिनेशन विद एग्जांपल देते हुए और बाद में फिर क्लासिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन आगे बढ़ते जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।